कर सकते हैं, इसमें सब चीज होते हैं। जैसे हरियाणा में खेती होता है ना, ऐसे खेती कर सकते हैं हम लोग ना पाके। ये जमीन इनके लिए सोना है, अरे हमारे लिए सोना है, इनके लिए रंग है, जमीन मिट्टी है, कोई कीमत और इनके लिए कोई कीमत नहीं, हमारे लिए सोना है ये जमीन, जो जमीन पड़ा है। हमारे वहाँ की पानी चार पानी देते हैं, मान ली इनके एक बीघा में होगा वो 30 मण, हमारे वहाँ एक बीघा में होगा 100 क्विंटल अनाज। करेला है, कदीमा है, लौकी है, सब चीजें तीनों आइटम है, खीरा भी था उस टाइम पूरे में खिला के। लोग कहते हैं इसी को क्या लगा, इतनी मेहनत हमने कर पाएंगे, ये रहा वो पुराना वाला आदमी बोलते हैं, इतनी जितनी मेहनत तुम करते हो ना तुम्हारे बच्चे करते हैं, इतनी मेहनत हम नहीं कर पाते। इसको पहले मैंने इसको गड्ढा खोदा ही देना, डालते डीपी डालते हैं और वो कुंडी डालते हैं, कुंडी डालते हैं आपको डीपी डालते हैं डीपी, और इसमें जी भी पानी देंगे ना यूरिया डालेंगे हर हर दफे में है ना। बाप ये आदमी बाहर कमाने जाते हैं, दिल्ली जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, इतना जमीन पड़ा है, सब ये बंजर जमीन पड़ा हुआ था। अगर इसमें आदमी बोरिंग करवा देगा 2-4 बोरिंग तो यहाँ पर सब हरियाली हरियाली नजर आएगी और कुछ नहीं आएगा इसमें, इस जमीन में हर चीज होगा, हर चीज। कहते बाबू हम नहीं करेंगे इतनी मेहनत, मेहनत करने से भागते हैं, भागते हैं, उनको सिर्फ चाहिए मुआवजा, बारिश का खेती चाहिए ना, ऊपर वाला खेती चाहिए, बारिश हो जाए, बारिश की खेती पर डिपेंड रहता है। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक, आज हम कमला नदी के तट पर है और ये कमला नदी बनौर झंझारपुर के सीमांकन में है और यहाँ तरबूज की खेती की जा रही है और इस तरबूज की खेती करने के लिए यूपी से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो जर्जर जमीन है ये डिजर्ट हो चुकी जमीन है, यानी बालुआ जमीन जिस पर कोई सामग्री नहीं उगाई जा सकती है, ऐसे में ये लोग इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर इस प्रकार के खेती आप लोग कैसे कर लेते हैं। इसको जानने के लिए तो लोग लेबर आता है, लेबर गड्ढा खुदवाते हैं, इसको गड्ढा खुदवाने पैसे पे कुन्नी डालते हैं। कुन्नी क्या होता है वो बताइए, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म का जो अवशेष पदार्थ होता है उसको इसमें डालते हैं। इस क्यों डालते हैं, इससे क्या फायदा होता है आपको? इससे ना पौधा काला होता है, ताकतवर होता है। तो ये जानते हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये बिल्कुल बलुआहा जमीन है और इस बलुआहे जमीन पर फसल उगाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। खेती करते हैं तो और मैंने पानी पटवन का कैसे कर पाते हैं या सरकारी व्यवस्था किस प्रकार का होती है? दमकल से पानी देते हैं, ये थोड़ा ये पानी ज्यादा सूख गया था ना तो ये कान लेकर पानी कम आया इसमें, एक तो बारिश कम हुई है, एक पानी कम आ, दमकल से पानी से पूर्ति नहीं हुआ। हम लोग बोर भी करवाते हैं, बोर अपने ऊपर में बोर करवा, हमारे हमारा लौकी भी है वहाँ पे, खीरा भी है, कदीमा भी सब है ऊपर में, इसमें सब चीज होते हैं। जैसे हरियाणा में खेती होता है ना, ऐसे खेती कर सकते हैं हम लोग ना पाके। ये जमीन इनके लिए सोना है, अरे हमारे लिए सोना है, इनके लिए रंग है जमीन मिट्टी है, कोई कीमत और इनके लिए कोई कीमत नहीं, हमारे लिए सोना है ये जमीन, जो जमीन पड़ा है। आप देख सकते हैं इतने लैंड प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं, ये नदी का किनारा है और नदी का वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में सिर्फ बालू ही बालू है, लेकिन आप उसको इस दृष्टि से नहीं देखे कि इस पर खेती नहीं हो सकती है। ऐसे में खेती कैसे हो, ऐसे में इन लोगों से आपको जानकारी लेनी होगी। जो बंदे यहाँ से बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन वो अपने सोना जैसे टुकड़े को छोड़ देते हैं और ऐसे में इस जमीन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे में वो लोग इस प्रकार के खेती नहीं करते हैं और दूसरे जगह खेती करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सीख लेना होगा कि यहाँ आकर के खेती कैसे करते हैं। कुछ फायदा बताइए जो आप यहाँ खेती करते हैं। तो देखो जैसे मान लें हमारे वहाँ गेहूँ बोते हैं, मान लें गेहूँ में ये गेहूँ बोते हैं, हमारे वहाँ गेहूँ में पानी चार पानी देते हैं, मान लें इनके एक बीघा में होगा वो 30 मण, हमारे वहाँ एक बीघा में होगा 100 क्विंटल अनाज, इतना फर्क है। क्योंकि हम लोग खाद और डीपी ज्यादा डालते हैं तो हम मेहनत करते जाते हैं उसमें, इसमें जमीन में डीपी डालते हैं, दवा मारते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते। देखिए ये डिजर्ट है, ये बालू का टीला है जो नदी को सुरक्षित करने के लिए नदी के ही पेट से, यानी नदी का जो क्षेत्र है उससे मिट्टी निकाल करके, ये बालू निकाल करके इस पर जमा किया गया है और इसी जमे हुए जगह पर ये लोग अपना आशियाना बनाए हैं और इसी आशियाना पर रह करके दिन रात मेहनत करते हैं। ये आपको हम दिखाते हैं कि इन लोगों के मेहनत एक सिर्फ तरबूज तक ही सीमित नहीं है, हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग तरबूज के अलावा और भी खेती करते हैं और पूरे जमीन का उपयोग कर पाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ सोना उगाने के लिए ये लोग यूपी से चलकर बिहार के झंझारपुर की धरती पर कमला नदी के तट पर, कमला नदी के पेट में, कमला नदी के वो क्षेत्र जो दियरा के क्षेत्र के रूप में हम कह सकते हैं, ये टीला बालू का टीला जहाँ कुछ नहीं उगाया जा सकता है, ऐसे में लोग ये भरपूर मेहनत करते हैं, तरबूज उगाते हैं, खीरा उगाते हैं, करेला उगाते हैं और न जाने क्या क्या सामग्री उगाते हैं, लौकी उगाते हैं। तो ऐसे में जहाँ ये
इस क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली बम्बई कमाने के लिए जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और मिलता क्या है, वही सिर्फ पेट पालना। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में रहकर अपने जमीन को सोना बनाएं, तो इन लोगों से आप आकर के सीखिए। तो आप देख सकते हैं जहां हम कमला नदी का वो क्षेत्र जहां सिर्फ बालू ही बालू था, यहां भी बालू है लेकिन यहां थोड़ा सा कुछ जमीन का जो बदलाव होता है वो हुआ है। और यहां हम दिखाते हैं कि खेती कौन कौन सी खेती है, क्या है ये खेती। करेला है, कदीमा है, लौकी है, सब चीजें तीनों आइटम है, खीरा भी था उस टाइम पूरे में खीरा था। तो ये तमाम जगह हम आपको सीधा बनौर से दिखा रहे हैं। ये बनौर संसारपुर प्रखंड के संत नगर पंचायत में है, जो ये क्षेत्र बिना किसी काम के रह जाता है, जहां बालू ही बालू रहती है। ऐसे जगह का हम आज मूल्यांकन करने के लिए आए हैं और इन लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आखिर आप लोग यहां इस प्रकार की खेती कैसे कर लेते हैं, जबकि अच्छे से खेत में अच्छा फसल नहीं उगा पाते हैं। तो ऐसे में आप लोग की वो डिजर्ट जगह पर आप कैसे फसल उगा लेते हैं। देखो हम लोग जैसे हरियाणा में खेती करते हैं ना, हरियाणा में करते हैं, ऐसे हमको मालूम है खेती करना, किसे खेती होगा किसे नहीं होगा। तो यहाँ के लोगों का उपयोग नहीं करते हैं कि वो लोग भी कम से कम सीखे। नहीं, हम लोग कहते हैं सीखो, क्या इतनी मेहनत हमने कर पाएंगे। ये पुराना आदमी बोलते हैं इतनी जितनी मेहनत तुम करते हो ना तुम्हारे बच्चे करते हैं, इतनी मेहनत हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, अब बच्चे की बात कर लिए तो इन लोग का शिक्षा कहाँ देते हो, या यूं ही ऐसे ही रख दोगे, या भारत का ये भविष्य है तो इनको शिक्षा कहाँ देते हो। नहीं, जाते हैं हरियाणा में, जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं पढ़ते हो बाबू। क्या नाम है? अरबाज। अरबाज बताओ तुम यहाँ खेती करने के लिए आए हो कि पढ़ने के लिए आए हो? खेती करने के लिए आए हो। पढ़ने के लिए नहीं आए हो? तो ये पापा तुम्हारा दोषी है कि तुमको पढ़ा नहीं रहे हैं, तुमको भी चाहते हैं कि इसी में उलझा करके रखे। पढ़ोगे ना? तो चलिए हम आप विशेष इस पर नहीं ध्यान देंगे, हम यहाँ खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप बताइए कि ये करेला की खेती कैसे की है, इतना हरियर जगह, हरा हरा जो पौधा है जो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, और ये बिल्कुल बालू वाला जमीन है, तो ऐसे में आप कैसे इसको कर लिए हैं? इसको पहले मैंने इसको गड्ढा खोदा ही इतना, इसको गड्ढा खोदा फिर ये दिखाइए, थोड़ा गड्ढा में जाइए। हाँ, तो ये देख रहे हैं कि इसको गड्ढा खोदा गया है, और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद खाद डालते हैं, डीपी डालते हैं, और वो कुंडी डालते हैं, कुंडी डालते हैं, डीपी डालते हैं, डीपी, और इसमें जी भी पानी देंगे ना यूरिया डालेंगे हर दफे में। अभी इसमें 15 दिन हो गए, इसमें हमने ना खाद डाला ना पानी दिया, क्योंकि हम घर जा रहे हैं ना, अब खत्म कर रहे हैं खेती। जो इसमें खाद डालते हैं ये और भी हरा होता है, दवाई मारते और भी हरा होता है, और फसल भी अच्छा होता है इसका, क्योंकि हमारा लास्ट होगा, तरफ भी खत्म होगा, घर जाएंगे हम इसके बाद। तो हम आपको झंझारपुर के बनौर गांव से आपको दिखा रहे हैं कि ये लोग यूपी से आकर के कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा परिवार की संख्या तो है नहीं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में ये खेती कर रहे हैं, और इस खेती को इस रूप में करते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए एक प्रकार से सीख है, बिहार सरकार के लिए भी एक सीख है, कि जहाँ उनके खेती परंपरागत तरीके से होती है वहीं ये लोग टेक्निकल तरीके से खेती करते हैं और खेती को उस रूप में देते हैं। हम जानते हैं कि इसको फायदा हो रहा है, लेकिन ये फायदा हमारे लोगों को या हमारे देश के लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ कुछ नहीं आने वाला है वहाँ ये लोग जर्जर भूमि से या डिजर्ट भूमि से, मरुस्थली भूमि से वैसे पौधे वैसे फसल उगाते हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट हमारे लोगों को होता है, और हमारे देश को होता है, हमारे बिहार को होता है, हमारे झंझारपुर को होता है, हमारे गांव को होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे काम करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए आपका अपना परिचय दे दीजिए और ये बताइए कि आने वाले समय में लोगों को क्या करना चाहते हैं कि जो ऐसे ज़मीन को छोड़ देते हैं। जो आदमी यहाँ का आदमी बाहर जाते हैं ना, यहाँ आदमी बाहर कमाने जाते हैं, दिल्ली जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, इतना जमीन पड़ा है, सब ये बंजर जमीन पड़ा हुआ था। अगर इसमें आदमी बोरिंग करवा देगा 2-4 बोरिंग, तो यहाँ पर सब हरियाली हरियाली नजर आएगी और कुछ नहीं आएगा। इसमें इस जमीन में हर चीज होगा, हर चीज होगा। जैसे हरियाणा में होता है ना गेहूँ होता है, मान लो तुम्हारा 1 बीघा गेहूँ होता है जो 50 क्विंटल, हमारे वहाँ 1 बीघा होता है 100 क्विंटल, 200 क्विंटल गेहूँ होता है। तो ये लोग एक पानी देते हैं, 2 पानी देते हैं, मेहनत नहीं करवाते, न खाद मारते हैं, ना कुछ मारते हैं। अरे मुआवजा तो लेने में बिहार के लोग बहुत तेज है, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, सिर्फ 2000 मिलने पर खुश हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों से सीखना होगा कि खेती कैसे की जाती है, टेक्निकल खेती कैसे की जाती है। तो ऐसे में आप लोगों का सहयोग उनको लेना चाहिए था, लेकिन वो लोग लेने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? उनके बाबू हम नहीं करेंगे इतनी मेहनत, मेहनत करने से भागते हैं, भागते हैं, उनको सिर्फ चाहिए मुआवजा, बारिश खेती, ऊपर वाला खेती चाहिए, बारिश हो जाए, बारिश की खेती पर डिपेंड रहता है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं,
परिवार चल गया अच्छा से तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। बस बाहर जा रहे काम करने के लिए, ना तो बूढ़ा बूढ़ी देते हैं कोई लड़का का कभी कभी, बस वो कर लिया। चलिए हम आपको मिथिला दस्तक के माध्यम से ये तमाम से जानकारी दिए हैं, ये तमाम अपडेट्स दिखाए। देखिए कितना अच्छा खेती है, हमको लगा कि ये खेती कहीं हरियाणा में तो नहीं हो रहा है, हमको लगा ये खेती कहीं पंजाब में तो नहीं हो रहा है। यहाँ हम आज देख रहे हैं कि हरियाणा है कि छत्तीसगढ़ है या कि पंजाब है, हम अपने गांव को देख करके आज आह्लादित हो रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं और हम इस धरती पर जन्म लिए हैं, मेरा गाँव भी बनोर है, हम अपना चैनल चला रहे हैं मिथिला दस्तक। तो ऐसे लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत दूर से आकर के इस प्रकार की खेती करते हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे चैनल को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।